नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्ने के लिए जो हमारे चेहरे पे पिंपल्स हो जाते हैं और कई बार तो ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं दोस्तों कि पेशेंट बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, कई बार तो डिप्रेशन में भी चला जाता है जिन लोगों को बार बार पिम्पल्स होते हैं। और कई बार तो दोस्तों पिम्पल्स की वजह से हमारे चेहरे पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं जो कि देखने में बहुत ही बुरे लगते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा बेस्ट होम्योपैथिक फार्मूला बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, और इस फार्मूले का मैंने क्लिनिक पे भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया है और बहुत ही ज़्यादा सफलता इस फार्मूले से हमें मिलती है। दोस्तों साथ ही साथ जो है मैं आप लोगों को एक ऐसा मदर टेंचर भी बताऊँगा जिसको आपको अपने फेस पर अपने चेहरे पर अप्लाई करना है, और इसके अप्लाई से यदि पिम्पल्स की वजह से जो आपके चेहरे पर दाग आ जाते हैं या फिर धूप की वजह से आपका चेहरा सांवला पड़ जाता है तो वो प्रॉब्लम भी उस मदर टिंचर से सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक्ने को यदि हम समझें तो मैं नहीं समझता कि एक्ने को बहुत ही ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है। आप सभी लोग जानते हैं कि पिंपल्स क्या होते हैं, लेकिन फिर भी शॉर्ट में इंट्रोडक्शन, जिन लोगों का ज़्यादा ऑयली फेस होता है तो उन लोगों को एक्ने ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि दोस्तों हमारी जो स्किन है इसमें छोटे 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 रोम छिद्र होते हैं, मतलब बारीक बारीक छेद होते हैं जिसकी वजह से सीबम मतलब कि पसीना हमारे स्किन से बाहर आ सके। लेकिन दोस्तों जिन लोगों की ऑयली स्किन होती है तो उनके चेहरे से काफ़ी ज़्यादा ऑयल भी बाहर आता है। हमारी स्किन में सीबेसियस ग्लैंड होती है जो हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए, नमी बरकरार रखने के लिए जो है ऑयल्स का फॉर्मेशन करती है। लेकिन किसी किसी पेशेंट में ये ऑयल जो है बहुत ही ज़्यादा बनने लग जाता है तो उसकी वजह से जो है उन्हें एक्ने होने लग जाते हैं। जब ये ऑयल बाहर नहीं आ पाता है, रोम छिद्रों में फंस जाता है किसी भी वजह से, तो वो जो है एक्ने का रूप ले लेता है। तो दोस्तों ये है एक्ने। दोस्तों इस एक्ने को ठीक करने के लिए जो मैं फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं, इस फॉर्मूले को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो, और ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। दोस्तों इस फॉर्मूले में हम तीन प्रकार की होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों कार्वोवेज 200, दूसरी मेडिसिन है सल्फर 200 और तीसरी मेडिसिन है शिलिशिया 200। दोस्तों इन तीनों ही होम्योपैथिक मेडिसिन को मिला करके आप जो है सिंगल डोज बना लें, मतलब इन तीनों ही मेडिसिन को आप बाजार से किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर से परचेस करके ले आए और इनको आपस में मिला करके रख लें। और दोस्तों रोज सुबह जो है खाली पेट में आपको सुबह के समय 2 से 3 बूंद अपनी जीभ पर सीधे डाल लेनी है। दोस्तों बहुत ही ज्यादा मात्रा में यदि आपको एक्ने है तो आप इसका सुबह शाम मतलब 2 खुराक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपको सिंपल एक्ने है, बहुत ही ज्यादा वर्स कंडीशन नहीं है, तो रोज केवल दिन में सुबह के समय 1 खुराक आप लोगों के लिए काफी होगा। दोस्तों इसके रेगुलर इस्तेमाल से आप देखेंगे किसी भी प्रकार के एक्ने, चाहे वो किसी भी वजह से आपको हो रहे हो, हॉर्मोन्स की वजह से हो रहे हो, पॉल्यूशन की वजह से हो रहे हो, एक्सेसिव ऑयल की वजह से हो रहे हो, वो धीरे धीरे आपके कवर हो जाएंगे और साथ ही साथ आपको एक्ने से परमानेंटली छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों आइए अब मैं आप लोगों को ऐसा एक मदर टिंचर बताता हूं जो आपको अपने फेस पे अप्लाई करना है। दोस्तों मदर टिंचर का नाम है बर्बेरिस एक्वाफोलियम का मदर टिंचर। दोस्तों यहां पे पिक लगा दूंगा तो आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस मदर टिंचर को जो है रुई की सहायता से केवल रात में सोते समय अच्छे से, खूब अच्छे से अपने पूरे चेहरे पर आपको अप्लाई कर देना है। दोस्तों इसके अप्लाई से आप देखेंगे कि एक्ने जो है बहुत ही जल्द रिड्यूस होंगे, और उसके साथ साथ जो आपकी त्वचा काली पड़ गई है, धूप की वजह से आपका चेहरा सांवला पड़ गया है या पिंपल्स के दाग आ गए हैं तो वो दाग धीरे धीरे करके पूरी तरह से चले जाएंगे और आपका चेहरा एक बहुत ही अच्छा ग्लो करने लगेगा, चेहरे पे एक आपकी शाइनिंग और चमक आ जाएगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एक्ने से किस तरह से लड़ा जा सकता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।